नरभक्षी लोग बैठ गए हैं। वो देखो भाई, बास्केटबॉल कोर्ट, क्या गजब जगह बना है। आनंद ही आनंद है भाई। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? गुड नाइट बोलेंगे। अभी टाइम कितना है मैं बताऊँगा। मैं हूँ बस में, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जा रहा हूँ अभी ऋषिकेश। उसके बाद ऋषिकेश से आगे जाएंगे हम मसूरी और तनावटी, आपको दिखाएंगे। फिलहाल यह है स्लीपर बस, टिकट में था नहीं, अटेंड कर पाया, मुझे सीट मिल गई है और मैं आप सोने वाला हूँ आराम से। उसके बाद आपसे मिलते हैं सुबह। हाँ, थोड़ा सा बस का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। मिलते हैं आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? हरिद्वार आ चुके हैं। जय गंगा मैया। तो ये देखो दोस्त, ये है आपका बैराज हर की पौड़ी का। हर की पौड़ी में जो गंगा नदी का पानी जाता है वो इसी बैराज से जाता है। फ्लो देखिए भाई, क्या फ्लो है। पिछली बार आया था तो ये पूरे गेट्स ओपन थे सारे, क्योंकि भयंकर बारिश हुई थी, खूब फ्लो था पानी का उस टाइम पे। अभी भी है, अच्छा खासा है। तो दोस्तों दोस्तों दोस्तों, फिलहाल हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं, स्कूटी ले ली है, हायर कर ली है और अब जा रहे हैं मसूरी की ओर वाया देहरादून। तो मिलते हैं आगे आपसे, दिखाते हैं अच्छे अच्छे व्यूज़। यार स्कूटी ली है, मन बाइक का था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सामान था, बैग रखने में दिक्कत होती, फिर फिलहाल यही सही है। मिलते हैं आगे आपसे। दोस्तों सामने पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, भाई साहब मुझे तो दिख रहा है। क्या बेहतरीन नज़ारा है यार। देहरादून अभी यहाँ से है 20 किलोमीटर दूर। रोडें इतनी अच्छी हो गई है ना यार, मज़ा आ जाती है। सोंग रिवर है, सोंग रिवर, ये देखो सोंग रिवर, ये सब बाढ़ वाला पानी आता है, इसमें ऐसे नहीं बहता है। जब खूब बारिश हो जाती है पहाड़ों में ऊपर, देखो साफ सफाई हो रही है इतने अच्छे से। ग्लव्स लाना भूल गया मैं, ग्लव्स होते तो सही रहता। कोई बात नहीं, चलो सोचा था रख लूँगा, लेकिन एंड में आते आते भूल गया मैं, यही होता है। थोड़ा सा पहाड़ी एरिया शुरू हुआ है, यहाँ पे बैठने का बना हुआ है इतना बढ़िया। अब थोड़ा सा छाँव आई है रोड पे, पता है इतनी देर से वो हो रहा था, देखो हाथ कैसे आगे कर रखे, मतलब जल रहे थे बिल्कुल हाथ। भाई साहब अब अच्छा लग रहा है यार, ठंडा 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 ठंडा। पेड़ के नीचे आए हैं, हो सकता है उस वजह से है, वरना धूप तो वही तेज है बिल्कुल। ये वॉकिंग का एरिया बढ़िया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पिकनिक चल रही है लोगों की, ये सही है यार, यहाँ बैठ के आराम से मस्त खाओ पियो, इन्जॉय करो। बना तो अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग बढ़िया है, देहरादून सिटी अच्छी है, अच्छा लग रहा है यहाँ देख के। खैर कोई नई जगह जाओ तो अच्छा लगता भी है। पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, अब जस्ट अभी अभी शुरू हुए हैं पहाड़ों की एंट्री। कितना दूर दिखा रहा है मसूरी अब? 24 किलोमीटर है मसूरी अब। मसूरी कितने सालों बाद मैं आ रहा हूँ, बचपन में आया था तो भाई साहब देखो मसूरी की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, शुरू हो गई है एकदम बेहतरीन वाली। चेकिंग कर रहे हैं बिल्कुल भरपूर तरीके से। Thank you.
चेक काउंट कराओ। ओ ये देखो क्या मंदिर है भाई, नाइस। ये कोई मंदिर दिख रहा है अच्छा सा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओहे हो, आराम से आराम से आराम से। कर तगड़े हैं यहाँ पे, कर तगड़े हैं। हाँ दो मिनट रुके, नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलते। तो दोस्तों दोस्तों दोस्तों, फिलहाल हम लोग हैं मसूरी से 18 किलोमीटर दूर, और कुछ ऐसा नज़ारा पीछे ये देखो। हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। व्लॉग में गेस्ट अपीयरेंस होता रहता है, गेस्ट अपीयरेंस होता रहता है। आज इनका गेस्ट अपीयरेंस है निशान के भाई का। ये नज़ारे देखो भाई साहब, अब हवा भी चलने लगी यार, बढ़िया लग रहा है, हवा मस्त। देखो दोस्त, पहाड़ पे आए और मैगी ना खाए, और फिर गर्म है भाई। नहीं उठाई बिल्ली, इससे उठाता हूँ, रुको। देखो देखो देखो, पहाड़ों की मैगी। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, दोस्त एक अपडेट देनी है। अभी जस्ट 100 मीटर पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वापसी में जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे नगर पालिका का वो लगा हुआ है पूरा कैंप टाइप का, वो ग्रीन टैक्स लेते हैं। बाइक का आपका है 12 रुपये, लेकिन 15 रुपये लेते हैं पर्ची, 12 रुपये की पकड़ाई है। तो गाड़ी का पता नहीं 50-100 रुपये होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन टैक्स नाम से सबसे वसूल है यहाँ पे। तो एक ये सीन है, अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल ये नज़ारा है देखो, अच्छा इलेक्ट्रिक से आएगा उससे नहीं लेंगे क्या ग्रीन टैक्स, ये भी पॉइंट है, सोचने वाली बात है। क्या व्यू है भाई, जबरदस्त बढ़िया लग रहा है यार। क्या गजब ठंडा मौसम है यार, अब हो गया यहाँ पे ना, ये इधर धूप नहीं आ रही है ना, इसीलिए अंदर हो गया। अभी फिर बाहर जाएंगे तो फिर गर्मी पड़ने लगेगी। हाँ 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 हाँ, यही तो चाहिए था एसी वाला। और खुले में एसी है। रात को बढ़िया ठंड होगी, रात को मज़ा आएगी। अभी अच्छी गर्म और ठंडी मिक्स हवा लग रही है, क्योंकि जहाँ पे धूप से अलग जाते हैं, ये देखो जैसे धूप से अलग जाएंगे, यहाँ पे धूप है तो गर्म लग रही है। अभी छाँव में आ जाएंगे तो एकदम चिल्ड लगेगा, फ्रिज जैसा। मज़े आ गए मज़े। ये है क्या, मेट्रो स्टेशन है क्या ये? मेट्रो स्टेशन है, है? अगला स्टेशन कैंपटी फॉल। अब ये मेट्रो स्टेशन नहीं है, अबे नहीं कुछ और कुछ और है, नगर निगम पार्किंग जैसा कुछ लग रहा है। हाँ पार्किंग है ये, बढ़िया बनाई है, छाव भी हो गई है पूरी, देख रहे हो ऊपर। तो दोस्तों स्वागत है आपका मसूरी में।
एंट्री हो गई है अपन की। पेट्रोल पंप जस्ट यहाँ पे है, देख सकते हो आप। हाँ लेवरेज और एवरेज ऊपर भी है भाई। ये मल्टी लेवल पार्किंग है, देखो कितना बढ़िया बनाया है इन लोगों ने। हम लोग आ गए हैं भाई मसूरी में, एंटर हो चुके हैं और फिलहाल हम लोग जाएंगे अभी पोस्ट ऑफ हॉस्टल रुकते हैं। देखते हैं, अभी बुकिंग नहीं करवाई थी, मिल जाना चाहिए। ये लिखा तो है घोस्टों की है। देखो भाई जो मुझे लगे मुझे लगे मुझे लगे ये तो भाई साहब कुछ है ऐसा व्यू। वो देखो भाई बास्केटबॉल कोर्ट, क्या गजब जगह बना है। बास्केटबॉल कोर्ट ही लग रहा है, हाँ वो कोर्ट है इस साइड में ये। और ये व्यू देखो भाई अल्टीमेट। और ये गोस्ट ऑफ है भाई। तो प्लान ये हुआ कि दूसरा पैलेस क्या है, पिक्चर पैलेस, पिक्चर पैलेस रोड है, उस पर जाएंगे गोस्ट ऑफ पर, वहाँ देखते हैं। चढ़ाई करनी पड़ेगी अगर क्या पता करो भाई कैसे चला के लाया उसको यहाँ तक का। ना ब्रेक लगते हैं, ब्रेक बहुत टाइट है, ब्रेक नहीं लग रहे नीचे। अरे ब्रेक सीधे यहीं आके लगते हैं, वहां चढ़ा रहे थे वो अचानक से लग गया वहां पे, वो खड़ी हो गई। फिलहाल ये है गोश्त का, इतने में तो खत्म था। बूम्स ये है भाई साहब गोस्ट स्टॉप आपके सामने होगा तो पता चल जाएगा, फोन फोन पहुंच जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो। पार्किंग देखनी पड़ेगी यहाँ पर। स्वागत है दोस्तों, स्वागत है। देखो भाई वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में। मसूरी की माल रोड है ये। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग कहाँ, मॉल रोड जा रहे हैं। और मॉल रोड पे स्कूटी अलाउड नहीं के अंदर जाना, तो पार्किंग में ऊपर मॉल रोड से राइट मोड़ पे ऊपर आके खड़ी करिए। 100 रुपये पार्किंग है। अभी कितना बज रहा है टाइम, 4 बज रहा है, 3:30 बज रहा है। शाम तक की 100 रुपये है पर स्कूटी। भाई सही बात है, किसी ने सही कहा है मसूरी भाई ओवर प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, तो इतना माइंड में रखो। और कुछ ऐसा व्यू है, देखते हैं दिखाते हैं आके। तो भाई साहब मॉल रोड आ गया है, देखो कोस्टा कॉफी। तो कहाँ चल, देखो हंडी चिकन आ गया, भूखे नरभक्षी लोग बैठ गए हैं। सब खाने का तो चीरनाट हो गया। 2 दिन के भूखे सब खा के उठे हैं। अब 2 प्लेट चिकन खाई गई है, 2 हाफ। मज़ेदार था, एक हंडी चिकन था, हंडी चिकन ओके ओके था, काली मिर्च भी ओके ओके था। काली मिर्च ये है भाई, ज़बरदस्त काली मिर्च थी उसमें, मतलब काली मिर्च जैसा लखनऊ में होता वैसा नहीं था। फिलहाल ये है, अभी मिलते हैं आगे। चढ़ाई देखो भाई साहब आप, एक्सट्रीम लेवल वाली चढ़ाई है मॉल रोड पे। हम लोग खाना खा के चढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रही है। आई जस्ट फील इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। दोस्तों ये है कुछ व्यू।
ये देखो पार्किंग मल्टी लेवल वाली, कितना ऊपर आ गए हैं यार। वहाँ से देखो उस जगह से चढ़ते चढ़ते क्वीन ऑफ हिल्स। और बताओ कैसा लग रहा है? अभी यहाँ पे हमने सीक्रेट फवारा अनलॉक किया है, कौन कौन फवारे आ रहे हैं ये भीड़ है बिल्डर भी इसको है भीड़ दौड़ के लिए खतरा है। सीक्रेट दिखा दे हम आपको, यहाँ पे सीक्रेट है इस जगह पे। ये देखो ये है सीक्रेट यहाँ का फवारे का। देखो भाई लाल गोश्त स्टॉप में है और यहाँ पे लिखा है कहाँ कहाँ गोश्त स्टॉप अवेलेबल है। देखो दिल्ली, अमृतसर, मनाली और ये क्या है जयपुर, फिर ये प्रोजेक्टर, बाकी यहाँ पे देखो मुन्नार, मुक्तेश्वर, कोची, नैनीताल, ऋषिकेश, बिर, बेंगलोर, उदयपुर, ले, समझे दोस्तों, यहाँ यहाँ है। ओ यस फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग हैं कॉमन रूम में और कुछ ऐसा सीन है। देखो ये निशांत तो बैठे हुए हम लोग और यहाँ पे चल रहा है आईपीएल मैच, आईपीएल मैच का मजा लेते हुए अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे मॉल रोड घूमेंगे। तो भाई साहब ये कुछ नज़ारा है रात का, अभी टाइम हो गया है आपका 8:30 एंड व्यू देखिए आप, पूरा मसूरी है और वो रात देहरादून, नीचे टिमटिमाती लाइटें और ये हम हैं गोश्त स्टॉप के बाहर। ये देखो गोश्त स्टॉप